नमस्ते फ्रेंड, मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बैंगन के बारे में बात करूँगा कि बैंगन के पौधे को कैसे ग्रो करें, इसकी देखभाल कैसे करें, इसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं ताकि हम टेरो बैंगन लगे और मेरा हमारा पूरा पौधा बैंगन से भरा रहे। तो इसी के बारे में, इसी टॉपिक के हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने बारिश में ग्रो किया था। बारिश में मैंने इसकी पौध लगाई थी, मैंने बहुत सारी पौध लगाई थी पर हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हुई तो काफ़ी सारी ख़राब हो गई, 3-4 ही बचे थे। तो बस यही है मेरे पास अभी। तो फिलहाल अभी मैं लाऊँगा पौध तैयार, क्योंकि सीड्स अब मेरे पास बचे नहीं हैं। तो इसमें अब बैंगन लगना स्टार्ट हो गए, ये ब्लैक वाले बैंगन हैं। अभी मैंने परसों ही तोड़े, मैं भूल गया वीडियो बनाना, तो सोचा चलो आज वीडियो बना देता हूँ और आप सबको बता देता हूँ कि इसको ग्रो कैसे करें, इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात कर ले, तो ये सब्जियों वाले पौधे हैं, इसके लिए अच्छी मिट्टी बनानी चाहिए, जिसमें हम एक भाग गार्डन सॉइल ले लें और एक भाग खाद, दोनों मिक्स करके बनाएं तो बहुत अच्छा लग रहता है और इसको खाद देने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे सब्जी वाले प्लांट सारे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इसमें आधी आप गोबर की खाद डालोगे और आधी मिट्टी डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी मिट्टी एकदम परफेक्ट बन जाएगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा और आपको देखना नहीं पड़ेगा और खाद भी बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप इसकी पौध लगाना चाहते हो तो नॉर्मल सी गार्डन सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल में इसकी पौध डाल दीजिए। पौध डाल के इसको तुरंत धूप में मत रखिए, कोई शेड वाली जगह पे रख दीजिए, ऊपर कुछ बोरा वोरा कपड़ा बिछा दीजिए पौध डालने के बाद, और थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे कर दीजिए कपड़े पे, और जब पौध निकलने लगे तो कपड़ा हटा दीजिए। इस तरह आप पौध ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी से इसकी पौध तैयार हो जाएगी आपके पास और इसके सीड भी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको सीड से जर्मिनेट करना भी बहुत आसान है और हो जाएंगे। इसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो किसी भी गमले में या पॉलीबैग में, ग्रो बैग्स बना सकते हो, किसी में भी आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो और इसकी बनी बनाई पौध भी आपको नर्सरी में मिल जाएगी, वहाँ भी ज़्यादा प्राइस नहीं लेते, इसकी 50 पैसे या 1 रुपये में इसकी पौध मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो और इसको ग्रो कर सकते हो। इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हो, ये बैंगन आपको मिल जाएंगे और ठंडियों में आपको बैंगन भी खाने मिलेंगे। एक कैसे भी पौध हो आसानी से लग जाती है, आप बस मिट्टी इसकी अच्छी बना लो तो बस अच्छे से लग जाएगी। और इसमें समस्या क्या क्या आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कहीं कहीं ऐसे कीड़े लग जाते, देख रहे हो, ये अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक की बात करूँ तो नीम की पत्तियों को उबाल के उसमें मिर्ची डाल के वैसा उसका स्प्रे कर सकते हो और राख भी डाल सकते हो आप, गोबर के कंडे की राख आती है ना वो, मैं क्या करता हूँ जो मच्छर वाला पाउडर आता है ना वो राख में मिला के डाल देता हूँ, तो ये सारे मतलब कीड़ों को ख़त्म कर देता है और प्लांट भी ऐसे कोई नुकसान नहीं करता और हमारी सब्जियों में भी नुकसान नहीं करता, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता है, वो 1-2 दिन में उड़ जाता है पाउडर, तो वही मैं करता हूँ, मच्छर वाला पाउडर डाल देता हूँ। और इसमें मिली बग्स का अटैक भी होता है, हम जब किचन गार्डन टेरेस पे बना रहे हो, हमारे दूसरे प्लांट भी देखो ये मैंने लगाए हैं ना, ऐसे लगाए हुए होते तो इसमें मिली बग्स का अटैक भी हो जाता है, मिली बग्स का अटैक भी बहुत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सब्जी वाले प्लांट को एक साइड पर रखना है और जो हमारे फ्लावर वाले प्लांट है इसको भी एक साइड, और इसमें देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हैं, कितने फ्लावर आ रहे हैं और इसमें बैंगन भी बन रहे हैं, देखो यहाँ पे है, ये दिख रहे, इसको अब जहाँ सबसे ज़्यादा धूप मिलती हो इसको कम से कम 5 घंटे की तो धूप मिलनी चाहिए इसको, ये सब्जियों वाले पौधे में, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने अच्छे से आपके प्लांट ग्रो होंगे। और इसको अलग अलग रखिए, जैसे खुला खुला रखोगे आप तो वैसे अच्छा ग्रो करेंगे, देखिए ये पूरा एक ही प्लांट है तो कैसे अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जब आप सब प्लांट के बीच में रख देते हो
तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चलो दिखाता हूँ। मेरा एक प्लांट है बैंगन का, ये देखिए, ये पूरा जंगल बन गया है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर ही मैंने इसको रख दिया था, तो इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। तो इसको मैं बाहर निकालूँगा तो फिर से अच्छे से ग्रो करने लगेगा। इसको बस धूप चाहिए अच्छी सी। एक और भी था जो मैंने ऐसे ही रखा था, तो अब धीरे धीरे वो ठीक होने लगा है। देखिए ये कह रहा, ये देखिए अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब नई नई ब्रांचेस भी बहुत निकलेगी यहाँ से, और इसमें फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो गई है, तो इसमें भी अब बैंगन लगने लगेंगे। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान है। ऐसे मैं सारे ऐसे सब्जियों वाले प्लांट ग्रो बैग्स में लगा के रखे, मैं घर पे बनाई ग्रो बैग्स। और इसकी मिट्टी भी मैं जब वीडियो बनाया था तो इसके नीचे क्या मैंने कंपोस्टिंग का सब कचरा डाला हुआ है, और ऊपर आधी मिट्टी और आधी गोबर खाद भरी हुई है। तो जब भी मेरी सब्जी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको निकालूंगा, तो खाद भी तैयार मिल जाएगी पत्तियों वाली। तो ऐसा काम मैंने किया है। तो मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में देखिए, मैंने वो वीडियो बना के डाला है कि ग्रो बैग्स भी मिट्टी कैसे तैयार करें और खाद भी कैसे बनाए, वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो बैंगन को आप अभी भी ला सकते हो, आपको पौध मिल जाएगी, या आपके इसके सीड लाके भी घर पे पौध बना सकते हो। इसकी पौध कम से कम 1 महीना जितना तो लगता ही है तैयार होने में, हम घर पे जब लगाते हैं ना तब। तो उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो आप ज़रूर लगाइए सब्जी वाले थोड़े थोड़े पौधे, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स ओके बाय।